उनको बांध के ब्लैकमेल किया जाता है कमरे तक, किस तरीके से लाना है उन लोगों को, देश के मेडलों से कोई मतलब नहीं होता है, उनका सिर्फ शोषण करना है। तो वो लोग जिस तरीके से बांध के लेके आते हैं, वहाँ पे बच्चियाँ मजबूर हो जाती हैं कि वो अपना इतना लंबा कैरियर बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई आवाज़ उठाती है तो उसको उसका कैरियर ख़त्म करने की बात कही जाती है, ब्लैकमेल, उस पर लाइफ बैन लगा दिया जाता है उसका। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। किसान महापंचायत में इस वक्त हमारी टीम मौजूद है और वेट लिफ्टर कविता दलाल भी यहां पर पहुंची है। राम राम भाई। राम राम भाई, सारा पूरा हरियाणा ने राम राम। क्या कहना चाहेंगे आज इस महापंचायत को लेकर के, जो लाखों की संख्या में किसान पहुंचने लग रहा है? देखो, आज जितने भी हमारी खाप पंचायत है, जितनी पंचायत है, हमारे बुजुर्ग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, जितना शक्ति प्रदर्शन है, ये अपने आप में साबित करता है कि जो सरकार तानाशाही कर रही है ना, वह तानाशाही चल को नहीं, देसी भाषा में कहूँ, क्योंकि सरकार ने रुआ दिया सबके में, जवान रुआ दिया, किसान रुआ दिया, आज हमारी बेटियां भी रोन लाग रही हैं, अपना मान सम्मान बचाना मुश्किल हो रहा है। तो ये भी सरकार का टक्कर लेनी पड़ेगी, और जो हमारी खाप पंचायत टक्कर ले देंगी ना, वह मन नहीं लागे, आज कानून भी रोन लाग रहा, हमारा संविधान भी अपने तरीके से ये लोग मोड़ तोड़ के इस्तेमाल करने लग रहे हैं, आज हमारा मान सम्मान ताक पर रखा है। तो आज हमारे जितने बुजुर्ग आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, मैं तो उन सब गुजारिश करूंगी कि इस देश ने बस तमी बचा सको। जंतर मंतर पर देश के जो ओलंपियन जो खिलाड़ी थे, कॉमनवेल्थ जो खिलाड़ी थे, महिला खिलाड़ी विनेश फोगाट ने भी ब्रजभूषण है, जो उनके ऊपर भी यौन शोषण के आरोप लगाए हैं, उसी टाइम पर आप भी मीडिया के सामने आए हैं। सबसे पहले तो मुद्दा उन पहलवानों का, महिला खिलाड़ियों का, क्या कहना चाहिए उन यौन शोषण को लेकर के, अभी तक संशय बना हुआ, उनको न्याय नहीं मिला? देखो, मैं खिलाड़ी होने के नाते मैंने भी आवाज उठाई, और जंतर मंतर से जो महिलाओं के सम्मान की जो आवाज उठी कि किस तरीके से राजनीतिक लोग खेल संघों में बैठकर अपनी बच्चियों के साथ, अपनी बेटियों के साथ यौन शोषण कर रहे हैं, उनका दिन रात शोषण कर रहे हैं, उनको पहले तो सबसे पहले संगठन दबा रहे को। दूसरी बात इस सरकार की मैं हकीकत बताऊं, आज सुबह सुबह की घटना है, जो महिला कोच ने उस खेल मंत्री संदीप सिंह पर आरोप लगाए, तो इस सरकार ने वो तो आज तक गिरफ्तार नहीं करा, उसको झंडा फहराने के लिए मान सम्मान दिया, और वो लड़की जो रो रो के बिलख बिलख अपना वो मांग रही है अधिकार, हक की आवाज उठा रही है, उसको आज उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। तो इससे ये साबित हुआ है कि आज के बाद हमारे देश में महिलाओं का कोई सम्मान नहीं होगा, और जो भी आवाज उठाएगी उसको इस तरीके से कुचल दिया जाएगा। तो ये हालत है, ये सरकार की जो तानाशाही है, ये खत्म होनी बहुत जरूरी है। मैं तो सभी महिला संगठन है, जितने भी हमारी खाप पंचायत है, हाथ जोड़ कर आज यूं कहना पड़ रहा है, भाई मेरे बुजुर्गो, इस देश के बुजुर्गो, तुम अपनी बेटियां न बचा सको, आज कानून भी वे अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तानाशाही भी कर रहे हैं, वो जोर जबरदस्ती भी कर रहे हैं, हमारी बेटी होना, पैदा होना इस देश में हमने ठीक नहीं लग रहा। जी जी। अच्छा बहन जी, जिस टाइम पर विनेश फोगाट और सभी वहां पर बैठे थे, पूरे देश का समर्थन मिलने लग रहा था, लेकिन अचानक से रात को 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ में, लेकिन वो जो खिलाड़ी तो संतुष्ट हो गए हैं, लेकिन देश, लगता है आपको देश की बेटियां संतुष्ट हो गई उससे? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगी कि वह लड़ाई सिर्फ रेसलिंग की नहीं थी, वह लड़ाई हर लड़की की थी, और उसकी जरूरत है, उस लड़ाई को हम आगे बढ़ावा। हमें, मैंने तो बल्कि अभियान भी शुरू कर दिया है, गांव-गांव जाऊंगी, स्कूलों में जाऊंगी, महिलाओं को इतना मजबूत करूंगी कि वो जो जो भी उनके साथ शोषण हो रहे हैं ना, उसके लिए आवाज उठाए, क्योंकि महिलाएं चुप रहती हैं, ज्यादातर आत्मसम्मान को बचाने की कोशिश करती हैं, और वो जो दरिंदे लोग होते हैं उनकी चुप्पी को ही अपनी उनकी कमजोरी समझ लेते हैं, और उसको ताकत बना के उनका शोषण करते हैं दिन रात। महिलाओं में ये उनको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि बेटे बेटी तुम बोलो, हम तुम्हारे साथ हैं, उनको ये विश्वास दिलाने के लिए हम निकलेंगे। अच्छा बहन जी, दूसरा सवाल बड़ा यह है कि जब लड़कियों के साथ यौन शोषण जैसी इस प्रकार की घटनाएं होती है, उत्पीड़न जो होता है,
फिर FIR दर्ज क्यों नहीं करवाई जाती? यही मामला कि ब्रजभूषण के ऊपर अभी तक भी किसी भी लड़के ने कोई भी FIR दर्ज नहीं करवाई है। देखो सबसे पहले तो बताऊं कि जो एक खिलाड़ी का जो करियर होता है 10 से 15 साल का जी, और उसके साथ जिस तरीके की ऐसी हरकतें होती हैं उनको बांध के ब्लैकमेल किया जाता है, कमरे तक किस तरीके से लाना है उन लोगों को, देश के मेडलों से कोई मतलब नहीं होता है, उनका सिर्फ शोषण करना है। तो वो लोग जिस तरीके से बांध के लेके आते हैं वहाँ पे बच्चियाँ मजबूर हो जाती हैं कि वो अपना इतना लंबा कैरियर बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई आवाज़ उठाती है तो उसको उसका कैरियर ख़त्म करने की बात कही जाती है, ब्लैकमेल, उस पर लाइफ बैन लगा दिया जाता है, उसका कैरियर ख़त्म हो जाता है। तो वहाँ पे हमारी खिलाड़ियाँ जो हैं मजबूर हो जाती हैं और कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज़ करने की दशा में भी आ जाती हैं। लेकिन सभी लड़कियाँ ऐसी नहीं होती हैं, वो टकराती हैं, ताकत दिखाती हैं अपनी, लेकिन उनको इस तरीके की जो अड़चने लगा के सिलेक्शन ही दिया जाएगा, उसका कैरियर ख़त्म करा जाता है। तो FIR बिल्कुल होनी चाहिए, और ये FIR हम जो कह रहे हैं महिलाओं को एक बार मजबूती उनको ये दिखानी पड़ेगी कि समाज का भी कहीं ना कहीं मैं इसको दोष मानती हूँ कि जब भी कोई महिला आवाज उठाती है ना तो निर्दोष होते हुए लोग हमारा समाज जो उसको दोषी की नजरों से देखता है। सबसे पहले ये विचार बदलना चाहिए हमारे समाज का, इसी जागृति को लेके हम समाज में निकलेंगे। अब जो CM खट्टर हैं उनका बयान संदीप सिंह को लेकर के कि भाई केवल उनके ऊपर आरोप लगाए गए ना कि वो दोषी हैं अभी तक। देखो जब आरोप लगा दिए ये तो छानबीन निष्पक्ष तरीके से होगी जब भी तो साबित होगा, और सरकार उनकी है, SIT उनकी है, तो हमें तो भरोसा ही नहीं है कि वो निष्पक्ष तरीके से हो जाएगी जांच। कोई महिला अपनी अपनी आबरू को बचाने की कोशिश करती है, जब बिल्कुल पानी जो है सर के ऊपर चला जाता है जब वो कैमरे के सामने आती है। आज वो महिला आई थी, फिर ये इतने बड़े बड़े स्टार ओलंपियन खिलाड़ी सामने आए, तो क्या इनको सबूत देने की जरूरत पड़ेगी? क्या इस देश को शर्म नहीं आएगी? फिर अगर लड़कियां हमारी एक एक चीज बयां करने बैठ जाएंगी तो हमारा देश जो पदक लेने पर गर्व महसूस करता है वो शर्मिंदगी महसूस नहीं करेंगे? तो इनकी बातों पर विश्वास नहीं होना चाहिए। और लेकिन सरकार की नपुंसकता मैं इसको कहूँगी, हमारे देश में आज तक ऐसा कोई कानून नहीं बना कि ऐसे शोषण करने वाले बलात्कारियों के खिलाफ कोई कड़ा कानून हो और उनको फांसी पर लटका दिया जाए या उनको जीवन काल की सजा दे दी जाए। लोगों के दिल में डर ही नहीं है आज तक। अच्छा बहन, आप तो काफी वरिष्ठ पहलवान है, इस खेलों से जुड़े रहे हैं, तो किस प्रकार एक नीति बननी चाहिए या बदलाव होना चाहिए फेडरेशन के अंदर है कि जो हमारी जो बहन बेटियां हैं उनको इस यौन शोषण यौन उत्पीड़न से नहीं गुजरना पड़े? किस तरीका सरकार ने बदलाव करना चाहिए, और जो संगठन जो होते हैं संगठन होते थे कि महिलाओं की आवाज़ उठाए उनको सहायता दी जाए, लेकिन यहाँ पर संगठन जो संघ जो बनाए गए हैं जो फेडरेशन जो बनाई गई है उल्टा इन्हीं के ऊपर हर बार आरोप लगाए जाते हैं कि यौन शोषण होता है, यौन उत्पीड़न किया जाता है महिलाओं के साथ में, किस तरह का बदलाव होना चाहिए? देखो सबसे पहले तो खेलों का राजनेताओं से कोई लेना देना ही नहीं है जी। राजनेताओं ने ना खेल देखा, ना खेल का देखा, ना खिलाड़ी का संघर्ष देखा, उनका खेलों में मतलब ही नहीं है कोई भी। ये लोग सत्ता की ताकत के नशे में, पैसों के नशे में संघ के मालिक बन के बैठे हैं, उन्हें अपनी मनमर्जी का चलावे हैं। सबसे पहले तो इन राजनेताओं को दूर हटाओ। खिलाड़ी हमारे बहुत सारे ऐसे हैं, ओलंपियन हैं, वर्ल्ड मेडलिस्ट हैं, वो तो बेचारे मेहनत मजदूरी करने पर मजबूर हो रखे, दीवार मेडला तो टूटन लाग रही, लेकिन 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 ये जो नेता हैं ये उनको अपनी मनमर्जी से तोड़ मोड़ते हैं। इसमें खिलाड़ियों का नुकसान नहीं होता, मैं कहती हूँ इसमें देश का नुकसान होता है। आज हमारा देश ओलंपिक की तालिका में बहुत ऊपर होना चाहिए था, आबादी में नंबर दूसरे पे आता है हमारा देश और ओलंपिक तालिका में बिल्कुल पीछे। क्यों? यही राजनेता लोग हैं इसका इसकी वजह, क्योंकि ये कभी खिलाड़ियों को आगे बढ़ने नहीं देते, इनको देश के मेडलों के नुकसान से कोई मतलब नहीं होता है, इनको सिर्फ अपनी मनमर्जियाँ करनी होती हैं। सबसे पहले इनको दूर हटाओ, खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों को संघों में इन्वॉल्व करो। अच्छा बहन जी, अंतिम सवाल मेरा ये है कि जी जो ब्रजभूषण है जो फेडरेशन के अध्यक्ष, उनके ऊपर कोई कार्रवाई, ठोस कार्रवाई नहीं होती है, क्या दोबारा से पहलवानों का धरना लगेगा फिर?
बिल्कुल लगना चाहिए। उन्होंने जो आश्वासन देके उनको खिलाड़ियों को उठा दिया वहाँ से, कितनी भावनात्मक रूप से खापे भी उठ उठ के जा रही थी, लेकिन उन्होंने क्या वहाँ पे समझौता किया है, समय दिया है, उस समय का भी इंतजार करेंगे खिलाड़ी, और अगर नहीं उस तरीके से काम होता है तो फिर एक एकजुट होकर लड़ेंगे सभी। अच्छा एक और बहन जी, शायद ये आपको एक कड़वा प्रश्न भी लगे, जब तक विनेश फोगाट जो जंतर मंतर पर जो पहलवान महिला पहलवान नहीं बैठी थी, तब तक तो आपने भी चुप्पी साध रखी थी, जैसे ही वो मीडिया के सामने आई फिर आप भी मीडिया के सामने आ गए और आपने भी कहा कि हम भी इस दौर से गुजरे हैं कि यौन शोषण होता है, आपने भी कहा कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, तो आप ने तब तक चुप्पी क्यों साध दी थी, ये अब एकदम मीडिया के सामने आके कोई राजनीति षड्यंत्र तो नहीं है? देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैंने बताया कि भी ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं, पैदा की जाती हैं। कुछ खिलाड़ी तो ऐसे हैं कि उन लोगों से उलझ के कानूनी कार्रवाई में हमें अपने कानून पर एक तो भरोसा नहीं रहा, इस तरीके से कार्रवाई होती है। अगर उन चक्रों में खिलाड़ी उलझ जाए तो वो लड़ाई लड़ेगा या फिर अपना खेल देखेगा, ठीक है। हमने उन लोगों से टकराने की सोची, हमने उन लोगों को जवाब देने की सोची कि वो हमें तो मिटाना चाह रहे थे, हमें बर्बाद करना चाह रहे थे, लेकिन हम उतनी डबल गुणा में मेहनत करके उनको ये दिखाना चाह रहे थे कि हमारे अंदर काबिलियत है और हम मेडल ला सकते हैं, हमारी ये लड़ाई थी, इसलिए हम उन चीजों में नहीं उलझे। अच्छा बहन, आपने देखो आपने कहा कि कानून पर विश्वास नहीं था, आपकी चुप्पी आपने, क्योंकि लंबा चौड़ा आपका एक्सपीरियंस रहा पहलवानी में आप जुड़े हैं, आपकी चुप्पी फिर पता नहीं कितनी जो महिला जो खिलाड़ी हैं उनको फिर वही शोषण का शिकार होना पड़ा होगा फिर। देखो ये तो निरंतर चला रहा है बिल्कुल, लेकिन उस वक्त क्या है, हमारे पास ना तो हमारी फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था, ना हमें कोई गाइड करने वाला था, ना मैं इन बातों की इतनी ज़्यादा समझ थी, लेकिन जब हमें आप विनेश फोगाटर को देख लीजिए, जब ये हर चीज़ में सक्षम है, उनके पास नौकरी है, तब जाके उन्होंने हिम्मत जताई है। आज हमें अपना कैरियर खत्म होने का डर नहीं है। काफ़ी लोगों के कमेंट आने लग रहे हैं कि अब वो डर गए हैं, इस वजह से पीछे हटे हैं। ना ना, खिलाड़ी डरता नहीं है, आप सबके सामने उन्होंने जो भी समय दिया उसका इंतजार करेंगे और निष्पक्ष जांच इसी की मांग की है उन्होंने, जो भी रिजल्ट आएगा वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आप ये देखिए, जब खिलाड़ी सक्षम हुए, वो भी हुए, या मुझे इतना टाइम लग गया बोलने में, आज हमें अपना खतरा नहीं है, हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, आज हम उन हजार लाखों लड़कियों की लड़ाई लड़ रहे हैं जो ईब मैदान में उतरी हैं, और उनको न जाने कैसे कैसे लोग मिलेंगे और उनका शोषण होगा, हम उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो चलो बहन, देश की जो बहन बेटियां हैं, पहलवान होने के नाते क्या संदेश आप देना चाहेंगी ताकि वो आगे बढ़े और अपनी जो खुद की सुरक्षा वो भी कर सके? देखो सबसे पहले तो लड़कियां कमजोर है ही नहीं, लड़कियों को जब जब मौके मिले उन्होंने हर मुकाम पर अपने आप को साबित किया और नए नए इतिहास रचे। अभी ये जो मामला सामने आया है इससे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो घबरा गए हैं कि हमारी लड़कियां सेफ नहीं है, हम उनको ये कहना चाहते हैं कि आप बिल्कुल लड़कियों को रोकने की जरूरत नहीं है, उनको उसी हिम्मत के और जोश और जज्बे के साथ आगे बढ़ाओ, पूरा समाज आपका साथ है और जो भी हमें अभियान चलाना है उसके तौर पर भी हम अभियान भी चलाएंगे, हम लड़कियों को मोटिवेट करेंगे, उनको सेल्फ डिफेंस जैसी भी हम टेक्निक सिखाएंगे। खिलाड़ी तो फिजिकली सक्षम होते हैं, बाकी जो हमारी पढ़ने वाली भी लड़कियां हैं, हर लड़की के पास मसल्स नहीं होते, लेकिन हम उसको मेंटली रूप से स्ट्रॉन्ग करेंगे ताकि वो अपनी आवाज भी उठा सकें और डरने वाली कोई बात नहीं है। चलो भाई, तो वीडियो आपने देख लिया। फिलहाल कविता दलाल जो वेट लिफ्टर है, महिला पहलवान, चार पांच मुद्दों को लेकर के हमने जो बातचीत की है, अब कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ग्राउंड मीडिया के लिए। अपने कैमरा शो गिंजार के साथ मैं जबार द्वार। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।